चेतमय कार्य में ही शब्द का शक्ति मानते हैं कौन? प्रभाकर। कार्य का मतलब चिकित्सा, चिकित्सा का दूसरा ना कार्य मैं करना चाहता हूं, यही तो था ना स्तन पान से शुरू कर ये समझा रहे बार बार। तब उसको कहते हैं कि चेतमय उनका वह मत ठीक नहीं। कार्य एव उत्पत्ति रीति नियमाभाव, कार्य में ही उत्पत्ति है शब्दों का, ऐसा कोई नियम नहीं है। तथा क्यों नहीं है वो समझा रहे, क्योंकि दृष्टांत ऐसा ले रहे हैं ये विलक्षण जो चित्सुखीकार ने लिया है वही दृष्टांत देते हैं। किसी के आदमी जो मालिक है बड़ा, वो शहर में रहता है, अब उसकी शादी गांव की किसी लड़की से हो गई और शादी हो गई तो वो औरत अपना लेकर शहर में रहता था, अब बाद में गर्भिणी हो गई पत्नी तो मायके के यहाँ भेजते ना गांव भेज दिया। इसीलिए रो भी संपन्न घर के लोग थे, नौकर चाकर रहते थे। तो हुआ क्या कि उसका बच्चा हुआ लड़का, जब लड़का हुआ खबर ला रहा है मालिक के पास कि आपको बेटा हुआ, लेकिन उस घर में एक छोटा बालक था, वो सोची क्या ड्रामा हो रहा है, क्योंकि बच्चे का पैरों को लाल रंग कर दिया और उसको एक पीले कपड़े के ऊपर उसके पग चिन्ह अंकित कर दिया। वो कपड़ा लेके आदमी चला, हाँ बालक ये क्या ही समझ में नहीं आ रहा कुछ। वो इसीलिए बालक अभी उस वार्ताहार, उसको क्या बोलिए वार्ताहार, खबर ले जा रहा है ना, उसका नाम संस्कृत में वार्ताहार होता है, वो जा रहा है, उसका पीछे पीछे बच्चा भी गया भागते भागते, देखते क्या होता है। जब वो गांव से थोड़ी दूर बगल में शहर है वहां पर पहुंचा, बच्चा भी साथ साथ गया है, बच्चा उसको दिखा करके कहता है पुत्रस्ते जाता है, नौकर ने कहा। तब तो बच्चे को समझ में आई ये सब क्या ड्रामा था, वहां बच्चा वो देखा है और चिन्ह दिया दिखाया और उसके मुखमंडल प्रसन्न हो गया। इन सब से अनुमान करता है पुत्र शब्द अर्थ वो जो वहां पैदा हुआ था वो है। ये कहानी को बोल रहे हैं देखो, दृष्ट पुत्र जन्मना, दृष्ट पुत्र जन्मना पित्रे तन्निवेदनाय धावंतम भृत्यम अनुधावतः। एक बालक जिसने किसी के पुत्र जन्म को देखा और वह क्या कर रहा है, उसके जिसका बच्चा हुआ है उसके पिता को इस खबर का निवेदन करने के लिए दौड़ के हुए दौड़ते हुए जाता हुआ भृत्य का अनुधावतः पीछे पीछे भागते जा रहा है। कौन? वो बालक जिसने पुत्र जन्म को देखा है, दृष्ट पुत्र जन्मनः अनुधावतः, जिसने पुत्र जन्म को देखा उस बच्चे ने उन नौकर का पीछे पीछे भागते जा रहा है। नौकर कौन है? जो उस बच्चे का वास्तविक उत्पन्न बच्चे का वास्तविक पिता को खबर देने जा रहा है। और वहां जाने के बाद नौकर ने क्या कहा, पुत्रस्ते जाते थी, आपको बेटा हो गया है, आप पिता हो गए हैं, ऐसे कह दिया। इति भृत्य वचन अनंतरम, नौकर के वचन के अनंतरम पितरम प्रसन्न वदनम अवलोकयत, वो जो आदमी था जिसको सुनाया गया उसका चेहरा प्रसन्नता में खिल गया, इसको देखता हुआ बालस्य, दोनों बालस्य दृष्ट पुत्र जन्मना बालस्य अनुधावतः बालस्य, बालक ने बच्चे के जन्म को देखा था, वही नौकर के पीछे भागते भागते आया और वह वा वाक्य भी सुना और पिता के चेहरे पर प्रसन्नता को भी देखा। वह बालक क्या निर्णय लेता है, पुत्रोत्पत्ति प्रतिपादकम विदुम वाक्य इति, पहले सामान्य ज्ञान कर लिया, अब वो पुत्र शब्द का शक्तिग्रह उस वस्तु में ग्रहण करेगा जो पैदा हुआ तो सर देखा आया था। शुरू में क्या ग्रहण होगा, पूरे वाक्य का एक सामान्य ज्ञान हुआ, क्या ये जो वाक्य प्रयोग किया इस नौकर ने, क्या वाक्य प्रयोग किया था, पुत्रस्ते जातः, वो जो वाक्य है पुत्रोत्पत्ति प्रतिपादक है, कार्य का प्रतिपादक
करके नहीं जाना उसने अभी, क्योंकि अब बालक कुछ करना है क्या? इधम मम कार्यम, ऐसे कुछ हो रहा है वहां बालक को? ना नौकर जाके इधम मम कार्यम कुछ कह रहा है, उसके भी द्वारा कोई कार्यत्व बोध नहीं है, ना बालक सुनने वाले को कार्यत्व बोध हो रहा है, किंतु उस वाक्य को सुनने वाले उस बालक के दिमाग में इतना ज्ञान हुआ यह वाक्य पुत्रोत्पत्ति का प्रतिपादक है। इति वाक्यार्थ अवगम पुरस्सरम, उस वाक्यार्थ के अवगम ज्ञान के पश्चात अगला वाक्य सुनाया उस नौकर ने, पुत्रस्ते सुखी, पैदा हुआ पैदा हो गया तुरंत मरा नहीं है, अभी जिंदा है, बड़ा सुखी है, प्रसन्न है। ऐसे भी होता ना, पुत्र से जाता किंतु तदश्च मृतः, तब बेचारा ठंडा हो जाएगा सुनकर के। नहीं, इसलिए क्या करे बालक, पुत्रस्ते सुखी, फिर कहेगा माता च सुखी। अब आप उदक हो गए ना, पुत्र शब्द क्या है, पहला वाक्य में भी है दूसरे वाक्य में भी है, इसको दे आवापुत बाप। अब उसको पुत्र शब्द को सीधा उस वस्तु में ग्रहण कर लेगा जो पैदा हुआ था। इत्यादि वाक्येश श्रूयमाणेश पूर्वत आवापुत बापाभ्याम, आगे ना पूर्वत आवापुत बाप जे गामानय गामनय गाम बधान, है ना, आनय बोला बधान, दो अलग क्रियाओं में एक वस्तु दोनों जगह गाम गाम शब्द था, उसे समझ में आ गई उस वस्तु का गो शब्द का अर्थ किसमें है, ग्रहण कर लेता है बालक। वैसे यहां भी अवपुत बाप के द्वारा पुत्रादि अर्थेश पुत्रादि पद व्युत्पत्ति उत्पत्ति है, पुत्रादि अर्थों में पुत्रादि पद की व्युत्पत्ति ज्ञान हो रहा है, यहाँ कहीं कार्यता का गुंजाइश ही नहीं है। ये कार्यता का बोध वहां होगा ना जहां कोई क्रिया को करने के लिए कथन किया जा रहा हो। सिद्धार्थ कथन करने वाले वाक्यों में कार्यता का बोध का प्रश्न ही नहीं उठता है, यह घड़ा है ठीक है, इसमें मैं क्या करूं, बात आई क्या, यही तो मम कर्तव्यम, यही तो मम कार्यम, कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ ऐसे वाक्य क्या बोला जाता है, सिद्धार्थ अवबोधक वाक्य, सिद्ध वस्तु को कथन करने वाले वाक्य, यहां पर कोई क्रिया करने लायक कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसे वाक्यों में कार्यता कहाँ अवबोध हो रहा है, चिकित्सा कहाँ है, करने की इच्छा क्या रहेगी इसको सुनने के बाद कुछ। इसलिए कहते हैं अन्य इस विषय में देखो, नीचे श्लोक में दिया है चित्सुकाचार्य जी का प्रथम प्रकरण के 15वां कार्य का है, दृष्ट चैत्र सुतोत्पत्ते तत्पदांकित वाससा वार्ताहारेण यातस्य परिशेष विनिश्चिते है। दृष्ट चैत्र सुतोत्पत्ते है, एक बालक है जिसने चैत्र को उत्पन्न सुत को देखा है, लेकिन अभी उसे पता नहीं ये जो पैदा हुआ वस्तु है इसका नाम कुछ, इसको पुत्र शब्द वाच्य है ये उस बालक को पता नहीं। और अब बालक ने क्या देखा, वार्ता हारेण तत्पदांकित वाससा, उस तत् मैंने उस बच्चे के पद मैंने चरण से अंकित वास मैंने कपड़ा, इसके द्वारा वार्ताहार ने मालिक को बता रहा है, इसलिए पीले कपड़े में डाल के ले जाते, काले कपड़े में डाल के ले गया समझो कि मरा हुआ है। हाँ, काला कपड़ा मृत्यु का द्योतक माना गया और पीला मंगल वास सूचक है ना, और उसमें से लाल रंग से डाल देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं सफेद रंग कपड़ा उसे काले रंग से डाल देंगे बच्चे के पैर मुर्दे के पैर में और उसको अंकित कर दिया, बताने के पुत्र हुआ लेकिन वो गया। पहले जन्म जमाने में ऐसे प्रथा थी, सीधे कैसे बोलेंगे आपका बेटा मर गया, हुआ मर गया ऐसे कैसे कह देगा, इसीलिए सफेद कपड़े में काले रंग का पगचिन्ह डालते थे, और जिंदा बच्चा है तो पीले रंग के कपड़े पे लाल रंग का डालते थे, और लड़की है तो पीले रंग के कपड़े पे हरे रंग का पगचिन्ह डालते थे, उसे लगते थे लड़की हुई लड़का नहीं हुई है और लड़की जिंदी है। हरा रंग क्या है, खेती का सूचक है, मैंने लड़की पैदा हुई खेत है, इस तरह के एक जमाने में प्रचलन थी, उसके आधार पर ऐसा विचार चल रहा है कि वहां बालक ने केवल कपड़े को ले जाता और नौकर को देखा, नौकर ने पुत्र से जाता कह दिया, पुत्र से सुखी कह दिया, उन वाक्यों को सुनने के बाद बालक ने निर्णय लिया यह वाक्य पुत्रोत्पत्ति का प्रतिपादक वाक्य है, और इसमें पड़ा हुआ जो शब्द वाक्य जो
पुत्र शब्द है और किसका वाचक है, वो जो चीज मैंने देखा था उधर गांव में घर में जो पैदा हुआ था वो है पुत्र शब्द वाचक, ऐसा निश्चय कर लेता है। तो पूर्व पक्ष प्रभा कर कहता है लेकिन प्रसन्नता का कारण दूसरे भी हो सके, चलो बच्चा होके मर भी जाए लेकिन पत्नी स्वस्थ सुन के भी तो खुश होगा आदमी है, बच्चा जिंदा रहे पत्नी मर भी जाए तो भी दुखी होएगा आदमी। तो कई बार होता है बच्चा पैदा होता है ऐसा, अब मेरी माँ मर गई बच्चा मर गया, औरत मर जाती है तो आदमी खुश होगा क्या, हाँ बेटा होगा बहुत अच्छा होगा चलो चले गई कोई बात नहीं, वो ऐसे थोड़ी सोचेगा। तो इसीलिए पराभाकर का कहना है उसकी मुख प्रसन्नता जो देखा बालक ने पिता के मुख की प्रसन्नता, उसका कारण पुत्र जाते वाक्य ही नहीं, पुत्र सुखी यह वाक्य नहीं बल्कि माता जो सुखी ये वाक्य भी प्रसन्नता का कारण हो सकता है। तब अनुमान कैसे करेगा बच्चा, ये शंका है। तत्र अथा अथा से पूर्व पक्ष प्रभाकर, तत्र उसी प्रकरण में उसी दृष्टांत में स्त्री सुख प्रसवादि नाम अनेकेशम दृष्टत्व, स्त्री के सुखपूर्वक प्रसव होना, स्त्री का जिंदा रहना इत्यादि अनेकों भी मुख प्रसन्नता का कारण देखा जा सकता है दृष्टत्वात् न परिशेष दी। क्योंकि आपने कहा ना बच्चे ने परिशेषता निर्णय ले लिया, आपने क्या कहा था बच्चे ने परिशेषता निर्णय लिया, निर्णय कैसे लेगा, परिशेष निर्णय नहीं हो सकता कि मुख प्रसन्नता के कारण अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं। न परिशेष सिद्धि इति मतम, तब पूर्व पक्ष के जवाब में सिद्धांत ही कहता है फिर तो तुम्हारा दृष्टांत भी गया। जैसे गांव आने में सुन करके आदमी जब गया तो सब साथ में गौ थी क्या, जब गया है यदि साथ में गौ थी तो आने क्या करेगा, वो लाएगा क्या, मैंने आदेश दिया गांव आने या गुरु ने शिष्य को आदेश दिया, शिष्य क्या कर रहा है, क्या किया शिष्य ने, गया खाली हाथ ना, गाय थोड़ी लेके गया, गाय लेके जाना हो थोड़ी बोल रहे हैं लाओ बोल रहे हैं तो कहीं जंगल में होगी बाहर चल रहा होगा उसको लाने कह रहे हैं। तो बच्चा जो देख रहा है आदमी को क्यों जाता हुआ देखा, फिर आदमी को आता हुआ देखा, फिर आदमी को गाय समझना चाहिए वो अरे आने क्रिया हुई उस समय जो गया है तो गाय के साथ तो गया नहीं। फिर गाम शब्द का अर्थ गांव में कैसे ग्रहण किया बालक ने, तुम्हारे यहां भी तो समस्या होगी कि अन्य चीजें दिख रही वहां क्रिया, उन आनंद क्रिया के लिए प्रवृत्त पुरुष के पुरुष देखा जा रहा है और आते शायद लाठी भी लाया हो साथ में हांकते हुए, लाठी को गए क्यों नहीं समझा बच्चे ने। जैसे आप कहते ना स्त्री आदि अनेकों कारण है प्रसन्नता के लिए, वहां भी कहेंगे आनंद के प्रति अनेकों कारण और भी है, उनमें गौ शब्द का क्यों नहीं ग्रहण होता। जैसे वहां भी अंत तो गत्व आपको भी कहना पड़ता है, वहां पर उद्देश्य पर निर्भर है, गुरु का उद्दिष्ट वस्तु क्या होगी यह बच्चा अनुमान करता है, उद्दिष्ट गाय है लाठी नहीं थी और गांव बधाने करने से लाठी को बांधा नहीं उसने, और यहां पिता क्या करता है लड्डू बांट रहा है, पत्नी का सुख प्रसव की वजह से लड्डू बांटेगा कोई, यह बच्चा मर जाए पत्नी जिंदा रहे तो लड्डू बांटेगा क्या कोई, यहां भी अन्य और भी कारण है। निर्णय लेने के लिए पुत्र ही यहां पर ज्ञान का विषय बन सकता है, व्युत्पत्ति का विषय, न कि अन्य। इसलिए आपत्ति देने के लिए पहले छठे साठ समाचार होता है ना, जैसा तुम वैसे तुम्हारा जवाब भी दी जाएगी। इसे गाम आने की प्रवर्तक वाक्य भी वाक्य श्रवण अनंतरम श्रोतृगमन में आदो दृष्टम, है ना, श्रोता का गमन ही आदमी देखने मिला, गाय तो थी नहीं साथ में। यदि कुतः कालांतर भावे गवानयन रूप कार्य बोध अनुमानम, और कालांतर पता नहीं कितने देर बाद वो आता है आदमी है ढूंढ ढांड करके जंगल में गौ को ले आने में, ये तुरंत आ जाएगा दो सेकंड के अंदर कि बालक तुरंत पकड़ में आ जाएगा, और शाम को आया मान लो वो, ऐसे जब बच्चा इधर घुमा फिरा खेला कूदा उसके बाद में उसने देखा अरे वो समय गुरुजी ने इसे कहा था वो यार आए लेकर के, कैसे सब आप पौर्वापरि कालांतर भाव को जोड़ेगा, सन्निधि तो है नहीं, सन्निधि किसे कहते हैं, सहोच्चारिमाण हो एक साथ उच्चारिमाण हो उसे साथ साथ ग्रहण होना चाहिए ना, कालांतर व्यवधान ना हो, और ये तो बहुत कालांतर व्यवधान है,
फिर भी वाक्यार्थ कैसे ग्रहण कर रहा है बच्चा? इसलिए कहते हैं कि फिर भी वहां ग्रहण हो जाता है ना, जैसे वैसे हमारे पुत्र से जाते में तो इतना देरी भी नहीं हुआ, तत्काल तत्काल सब काम हो रहा है। इसलिए यहां तो बालक बल्कि और आसानी से पुत्र शब्द वाच्य उत्पन्न वस्तु में ग्रहण हो जाएगा। नहीं कार्य बोध से प्रवर्तकत्वम, और दूसरी बात सबसे बड़ा, केवल कार्यता का बोध होने मात्र से वो प्रवर्तकता उसमें नहीं रहेगी। इदम मम कार्यम, इतना ज्ञान होने से प्रवृत्त हो जाएगा आदमी? नहीं होगा। बल्कि इदम मम कार्यम के साथ में इदम मत कृति साध्यम जरूरी है कि प्रवृत्ति के चार काम होने से चिकित्सा, कृति साध्यता, बलवदन अनुष्ट अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्षता है कि नहीं? चिकित्सा को तुम क्यों पकड़ रहे हो प्रवृत्ति का कारण? इसे प्रवृत्ति का कारण चिकित्सा नहीं, मुख्य रूप वास्तव में कृति साध्यता। अभी कैसी कृति साध्यता? मदिष्ट साधन तेरह विशिष्ट होना। कृति साध्य हो और इष्ट का साधन न हो तो करोगे क्या? कृति साध्य है एना आपका इष्ट साधन हो नहीं है तो भी आप नहीं करेंगे। तो चिकित्सा भी रहे, कृति साध्यता भी रहे, इष्ट साधन न रहे, इष्ट उपायता इष्ट साधन था न रहे तो भी आप नहीं करोगे। इष्ट साधन तो हो, कृति साध्य न हो तो नहीं कर सकते हो। इसलिए मुख्य रूप में क्या मानते हैं? कृति साध्यता। और बल्कि उन्होंने भी कहा इष्ट साध्यता के ज्ञान के बिना, प्रभाकर खुद भी कहेगा उसके बाद दे रहे हैं, इष्ट साध्यता ज्ञान के बिना कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, आप स्वयं कहते हो। और इधर करे कार्यता कार्यता चला रहे हो, चिकित्सा में पकड़ रहे हो विधियों का, लिंगों का अर्थ। यदि लिंग प्रवर्तना के लिए है ना, लिंग क्या करता है? प्रवृत्ति कराता है। यदि लिंग प्रवर्तक है तो प्रवर्तक जिसको सुनने के बाद प्रवर्तना होगी उसी को उस लिंग का अर्थ मानना पड़ेगा, है कि नहीं? जिस चीज को जानने के बाद प्रवर्तना होनी है उसी को लिंग का अर्थ मानना चाहिए। तो कार्यता क्यों बोल रहे हो फिर? नहीं कार्य बोध से प्रवर्तकत्व, कृत्य साध्य इष्ट उपायता बोध से प्रवर्तकत्व, कृत्य साध्य विशिष्ट इष्ट साध्य का ज्ञान ही प्रवर्तक होता है संसार में। केवल चिकित्सा नहीं, केवल कृत साधता नहीं, केवल इष्ट साधता से भी नहीं। इनमें से एक भी रहेगा बाकी नहीं रहेंगे तो व्यभिचार है, वहां व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी। इधम इष्ट साधन ज्ञान लेकिन कृत साध्य नहीं, क्या कर लोगे? आपको मुंबई जाना है, आपको मालूम है एयरप्लेन भी हमारे इष्ट साधन है मुंबई प्राप्ति में, यानी क्या करे? जेब में विदाउट टिकट जाना पड़ेगा ट्रेन में, स्थिति है तो प्लेन की क्या सोच के फायदा? मैं नीचे से देख लो जा रही मुंबई का है। आकृति साध्यता भी तो महत्व है ना, इष्ट साधन से क्यों तो काम थोड़े चल जाएगा। तो चिकित्सा भी होना चाहिए, कृति साध्यता भी होना चाहिए, तद विशिष्ट इष्ट साधन ही प्रवर्तक होता है। न चत भवता अनिष्टम, और यह हम जो कह रहे हैं यह आपके लिए अनिष्ट नहीं है क्योंकि आपने भी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। इष्टो पैदा दिया मम इदम कर्म इति बुद्ध्वा तत्र प्रवर्तते इति भवद्विरेव उक्तत्वात्। आप ही के द्वारा बात कहा गया है, इष्टोपायता ज्ञान के अंदर ही मम इदम कार्यम ऐसा जान करके व्यक्ति प्रवृत्त होता है। अर्थात केवल मम इदम कार्य से तो नहीं हुआ ना, मम इदम कार्य में ज्ञान किसके अधीन हुआ? इष्ट साधना के अधीन हुआ। यदि इष्ट साधना नहीं है तो मम इदम कार्य में आपको मतलब ही नहीं उस चीज का। किसी भी चीज मम इदम कार्य थोड़ी ग्रहण करोगे आप। यह अंतिम है ना निर्णय, मम इदम कार्य तो अंतिम स्टेप है। इसे पूर्व कारण क्या है? इष्ट साधना ज्ञान है नहीं, कृति साधिता का ज्ञान, चिकित्सा करने की इच्छा जरूरी है, ये सब के अनंतर आता है अंत में। ये सब ज्ञानों का कार्य है इसका मतलब। मूल कारण कौन है? इष्ट साधनता। इष्ट साधनता में आप देखोगे वो इष्ट साधन मत कृत साध्य है यानी, और जो कृत साध्य अनेक साधन भी मिल जाए उनमें से करने की इच्छा किस में है ये भी तो निर्भर है ना। आपके एक एक इष्ट वस्तु है उसके साधन अनेक हो सकते हैं, उन अनेकों में से कुछ साधन ऐसा है जो आपके कृत साध्य नहीं है, इन कुछ साधन कृत साध्य होंगे। उन साधनों में से भी किस साधन में चिकित्सा बनेगी एक अलग बात है ना। सारे साधनों को तो अपनाओगे नहीं, किसी एक साधन से तो इष्ट साधन का संपादन करोगे।
इसलिए कहते हैं कि यहां पर ममैदम कार्यम तो अंतिम स्थिति वाला मामला है, इससे पूर्व प्रवृत्ति का कारण कौन है? इष्ट साधनता वगैरह है। ऐसे आपने खुद ही कहा है इष्टोपायता दिया, इष्टोपायता इष्ट साधनता, उपाय को साधन को बाद एक चीज है, इष्ट साधनता दिया मम इदम कर्मिति बुद्ध्वा, उसके अनंतर ये जान करके तत्प्रवृत्ति बहुत बिरे भोक्तत्वात, ये आपने ही आपके द्वारे कहा हुआ है। तस्मात इष्टोपायता प्रतिपादन एव वाक्यन क्रियता है, इसलिए इष्टोपायता निष्ठ साधनता ही प्रतिपादन किया जाता है वाक्य के द्वारा, लिंगों के द्वारा। लिंग कार्य पर चर्चा चल रही थी ना, लिंगों के अंदर क्या हो रहा है, इसलिए विधिलिंगों से इष्ट साधनता का बोध करा दिया जाता है। आपका स्वर्ग इष्ट यदि है तो उसका साधन अमुक यज्ञ है, ये बोलता है यार वो विधि। कैसे बोले उसका वर्णन करेंगे, अब यहाँ भी थोड़ा अर्थ संग्रह तो लाना ही पड़ेगा, उसके बिना समझा नहीं सकते, अभी बात निर्णय नहीं हो पाएगा बिना अर्थ संग्रह को लाए। स्वयं लेंगे, मूल में ही ला रहे हैं सब, अर्थ संग्रह शाब्दी भावना आरती भावना सब लाएंगे, लिंग लकार तो प्रत्यय आख्यात आख्यात सब बोलना पड़ेगा, बिना बोले समझ नहीं होगा निर्णय। चिकित्सा अपर पर्याय कार्य बोध आगे ना, कार्य किसको कहते हैं? चिकित्सा को। चिकित्सा अपर पर्याय, दूसरी पर्याय, अपर माने दूसरी, पर्यायवाची शब्द क्या है चिकित्सा का? कार्य। उसका जो ज्ञान है पुनः इष्टोपायता धिया जन्यते, उस ज्ञान को कौन पैदा करता है? इष्टोपायता धिया, वह जो कार्यता का ज्ञान पैदा होता है। कारण बड़ा है कि कार्य बड़ा है? कारण है ना, उसके बिना कार्य कहां से आएगा? कार्यता का ज्ञान ही पैदा नहीं होगा बिना इष्ट साधन ज्ञान का, इसलिए इष्ट साधन ज्ञान को ही वाक्य का मुख्य लिंग का वाचार्थ मानना चाहिए, न कि कार्यता। इति युक्तम अभ्युगंतम, ऐसा स्वीकार करना ही उचित होता है। क्यों भाई? अनलभ्यो शास्त्रार्थ तत्वात्, क्योंकि नियम है अनलभ्यो ही शास्त्रार्थ, शब्दार्थ मुख्य रूप शब्दार्थ, यहां पर शास्त्रार्थ लिख दिया, बात एक ही, शब्द का अर्थ वो माना जाता है जो अर्थ अन्य प्रमाणों से लभ्य न हो। जब कार्य और बोध का लाभ इष्ट साधनता ज्ञान से ही हो जाता है तो उसमें वाक्य तात्पर्य क्यों मानना करें? सिद्धांत निकला ना, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि कृतिसाध्य जो है, कृतिसाध्यता या कार्यता या चिकित्सा किससे उत्पन्न हुई? इष्ट साधन उसमें, अर्थात हमें कार्यता की प्राप्ति किससे हो रही है? इष्ट साधन से हो रही है ना, इसे उसको शब्द का अर्थ क्यों मानना? अनलभ्य हो गया ना, नहीं समझ में आ गया? क्योंकि आपने माना इष्ट साधन से पैदा होता है चिकित्सा या कार्यता का ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात क्या हुआ, हमें कार्यता का ज्ञान इष्ट साधनता से प्राप्त हो रहा है, अन्य से लभ्य है, इसलिए उसको शब्द का अर्थ नहीं मानना, कि शब्द का अर्थ वो है जो अन्य लभ्य नहीं हो। जब यह आपकी कार्यता अन्य कौन, इष्ट साधनता उससे लभ्य है, अतएव इसको लिंग से लभ्य मानना नहीं है। फिर लिंग से लभ्य किसको मानोगे जो अन्य किसी से लभ्य नहीं है? ऐसा कौन सा है? इष्ट साधन। इसलिए लिंग वो चीज का बोध कराता है जो इष्ट साधनता का, क्योंकि पूरा वेद ही उसके लिए ना, जो प्रत्यक्ष अनुमान ऐसे प्रमाणों से न जाना जाए उसी की सिद्धि के लिए तो है वेद। और ये आग में स्वर्ग साधनता है, ये कैसे में मालूम होगा? वेदोक्त लिंगों से ना, यजेत बोला दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम, यजेत जो लिंग है ये हमें उस स्वर्ग के प्रति दशपूर्णा से आग को साधनता का संबंध कर, मेरा इष्ट है स्वर्ग, उसकी साधनता याग में है, ये संबंध को बोध करा दिया लिंग ने। अतएव लिंगों का वाच्यार्थ इष्ट साधनता ही माननी चाहिए, क्योंकि यह अर्थ अन्य लभ्य नहीं है, और बल्कि कृति साध्यता या आगे कार्यता ये सब चीजें क्या है? इष्ट साधनता से लभ्य है, जिनका कहना है। नीचे तो स्कंद पुराण का श्लोक बड़ा सुंदर दे रहे हैं, ऋग्यजुस्राम अथर्वाच भारतं पांचरात्रकं मूल रामायणं चैव शास्त्रमित्य विधीयते, इनका नाम शास्त्र है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद महाभारत पांचरात्रकं भागवत और रामायण,
ये जो चीज है इनको हम शास्त्र मानते हैं। चारों वेद, महाभारत, पांच रात्र हम कहते भागवत को, भागवत और रामायण उसका कारण अलग है। ये चान कुलम एतस्य तच्छास्त्रम प्रकीर्तितम अतो अन्य शास्त्र विस्तारो नैव शास्त्रम को वर्तमत। यच्च अनुकूलम एतस्य, और इसके अनुकूल अन्य जो कुछ भी है उनको भी हम शास्त्र मान लेंगे। जैसे जैमिनी है, ब्रह्म सूत्र वगैरह, इनके अर्थों को निर्णय देने में सहयोग दे रहे हैं ना, इनके अनुकूल है, इनके प्रतिकूल नहीं। अतो अन्य जो इनके प्रतिकूल है वह शास्त्र विस्तार हो नैव शास्त्रम कुवर पदत, वो अन्य जो शास्त्र विस्तार है जो इसके प्रतिकूल है उनको हम शास्त्र नहीं मानते हैं, बल्कि हम उसको कुमार्ग मानते हैं। कुवर्तम माने कुमार्ग, वर्तम कहते मार्ग को। इसलिए बात उठ रहा है देखो, और दूसरी बात विचार करके देखे, प्रभाकर ने कार्यता का लक्षण क्या किया है, उसका लक्षण ही गड़बड़ है। कृति साध्यम कृतिम प्रति प्रधानम कार्यम इति कार्य लक्षणम, ये कार्य का लक्षण किया। कृति साध्यम कृतिम प्रति प्रधानम, जो कृति के प्रति प्रधान हो ऐसी कृति साध्यता उसी का नाम कार्य। वे तो फल में भी विलक्षण चला गया, फले में विचाराद उपेक्षणियाम, यह उनका जो कृत लक्षण है वो फल में विचार हो जा रहा है, स्वर्ग आदि फल में अधिव्याप्त हो जा रहा है। कि स्वर्ग आदि फल कैसा है, कृति के प्रति प्रधानता है, क्योंकि जब हम लोग करते हैं यागेन स्वर्ग भावे, ये तो लिखते हैं ना, इसे स्वर्ग क्या है प्रधान और याग गौण, ये नहीं, ये प्रधान है ये गौण है, ये मुख्य है ये गुण है। वहां अर्थसंग्रह में विरुद्धत्रिक द्वय दोष चर्चा हुई थी ना, ये उपादेय है ये अनुपादेय है, ये विधेय है ये उद्देश्य है, इस उद्देश्यता रहेगी इसमें विधेयता रहेगी। यागेन स्वर्गम भावे, ये वहां समझाया था, जब दूसरे ढंग से लेते हैं सोमेन यागम भावे, सोम्य के प्रकरण विचार हुई थी वहां कि हम क्या रहे याग, अभी यहां क्या हो गया था विधेय, और अब यहां वो याग उद्देश्य हो गया, विपरीत आ गया ना, उद्देश्यता और विधेयता एक में आना विरुद्ध हो गया। यह मुख्य है या गौण है, यह प्रधान है या गुण है, गुण प्रधान पर विरुद्ध एक वस्तु में आ रहा है, या नहीं, ऐसे समझाया था। और यह उद्देश्य है ये विधेय हो गया, प्रधान है या गुण हो गया, या मुख्य और गुण भी कहते हैं, प्रधान भी कहो मुख्य कहो, बातें की है और ये गौण है। तो इसीलिए आपने जब कहा तो बताओ स्वर्ग क्या है, प्रधान है या नहीं, आपका लक्षण स्वर्ग में अतिव्याप्त हो रहा है इसलिए प्रधान में, क्योंकि आपने कहा कृतिम प्रति प्रधानम, जो कृति के प्रति प्रधान हो उसका नाम कार्य, ये भी कृति के प्रति प्रधान है। हमारे सारा प्रयत्न किस लिए है, स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग ही हमारा उद्देश्य है, स्वर्ग हमारा प्रधान तत्व है जिसके लिए हमारा सारा प्रयत्न लागू हो रहा है याग में। इसलिए आपके जो लक्षण है कृतिम प्रति प्रधान इतना हिस्सा ये स्वर्ग में अतिव्याप्ति हो गया, और स्वर्ग भी हमारा कृति साध्य है भी, तो कृति साध्य तो सती कृतिम प्रति प्रधानत्म कार्य संलक्षण, यह आपका जो लक्षण है स्वर्ग आदि फलों में अतिव्याप्ति हो रहा है, व्यविचारित हो रहा है, इसे लक्षण दोष दूषित होने से इस लक्षण की उपेक्षा कर देनी चाहिए। तथो इस निष्कर्ष का निकला लिंगादि नाम अपूर्व विधायक अनुपत्तिश्च नापुर धर्म शब्द वाच्यताम, इसे लिंगादियों के द्वारा अपूर्व का कथन करना असंभव है, अतएव अपूर्व में धर्म शब्द वाच्यता का जो प्रयोग कर रहे थे प्रभाकर वह खंडित हो गया। तब प्रश्न उठेगा सबका तो अपने खंडन कर दे धर्माधर्म के मामले में, आप किसको धर्माधर्म मानते हो, कौतरी धर्माधर्म हो, ये धर्माधर्म क्या है, यत्र लोके धर्माधर्म शब्दो प्रवृत्तो, और किस विषय में लोक में धर्म और धर्म शब्द का प्रयोग किया करते हैं ये आप हमें बताइए। तक श्रूयता सुनो भाई, यागादिश लौकिक का नाम धर्म शब्द प्रयोग,
यागादि होता हुआ देख करके लोग कह रहे धर्मानुष्ठान हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, अरे धर्मानुष्ठान हो रहा है, ये धर्म कर रहा है या नहीं। और बकरा काट रहा है तो इन्हें कहेंगे धर्म कर रहा है, कहेंगे कोई? अब मुसलमान कहेगा कि उनके लिए तो वही धर्म है, आम आदमी तो नहीं कहना। लौकिक में आम आदमी सामान्य से विचार करके देखते हैं, आम आदमी उसको अच्छा नहीं मानता। आज भी और भी खुलम खुला बहुत कम लोग करते हैं, नहीं तो वो पर्दा उर्दा डाल के अंदर में ही करते हैं। विदेशों में भी सब जगह आप देखें ना, जो मांस वाला दुकानें होते हैं वो शाम से बंद रहता है, पर्दा रहता है। अब यहाँ भी देखिए ना, मछली जो पकड़ के ले जाते हैं छिप छिप के नहीं भागते हैं, सामने ही खुला लेकर के थोड़े चल देते हैं, उसको ढक ढुक करके। शर्म है फिर भी आज थोड़ी सी, उसे पता है ना गलत कर रहा, क्या करें, मजबूरी उनकी है। हाँ खुले में बेचते हैं, बाजार है बनारस में, दशाश्वमेध घाट में ही है सब्जी मंडी, इधर सब्जी भी करे इधर मछली, यूं बंद करके सब्जी करते थे आप लोग, इतना बुरा हालत होता था। बड़ा हल्ला गुल्ला करके उसको थोड़ा दूर किया, अगर सब्जी खदरे वालों तक गंद तो नहीं आना चाहिए कम से कम। बंगाली टोला है उसके बगल में, सब वहीं आके वो पार से आएंगे, सब वहां रखेंगे वहां। तो ये कहते हैं कि ये जो यागादियों में ही लौकिक लोग, आम आदमी जो है धर्म शब्द का प्रयोग करता है, अतएव यागादि अनुष्ठात्र धार्मिक समाख्यानाथ, इसलिए ही तो यागादि का अनुष्ठान करने वाले जो आदमी है उस आदमी को धार्मिक शब्द का लोग व्यवहार करते हैं। आधर्म शब्द प्रयोग तो हिंसा सुरापान आदो, और अधर्म शब्द का प्रयोग हिंसा में, दारू पीने वालों में समय कर दिया जाता है, और यदि आधार्मिक आदमी है इसलिए सब गंदा काम करता है, ऐसे लोग कहते हैं। यदा अन्यत् साध्यम अदृष्ट्वैव यागादिन अनुतिष्ठतां धार्मिकत्व समाख्यानं तद्योगादिति गम्यते। कुमार भट्ट ने इस बात को कहा है कि भाई देखो, यागादि जो है अन्यत साध्यम अदृष्ट्वैव, यागादि से साध्य पुण्यादि संस्कारों को न देख कर, अब याग कर रहा हूं और उस करते हुए को वहां देखते हैं लोग, उससे पैदल तो कोई पुण्य नाम कुछ दिखता है क्या लोगों को? तो क्यों कर रहा है आदमी जिसे कुछ पैदा हो तो दिखा नहीं दे रहा, तब समझते हैं नहीं याग ही धर्म है, कह देते इसीलिए। क्यों? क्योंकि अन्यत साध्यम अदृष्ट्वैव, उस याग के द्वारा पुण्य आदि अन्य चीजों को साध्य रूपेण न दिखाई देने के कारण यागादि ननुतिष्ठताम, यागादियों को अनुष्ठान करता हुआ उन लोगों के द्वारा पुण्यादि रूपा अन्य वस्तुओं को साध्य रूपेण न देखने के कारण से, और दूसरा हेतु धार्मिकत्व समाख्यानम तत् योगादि गम्यते, और उसे यागादि का संबंध को लेकर के भी धार्मिक शब्द का प्रयोग हो रहा है, इससे लगता है याग का ही नाम धर्म है, यागादि का ही नाम धर्म, ऐसे श्लोक वार्तिककार ने कहा है। इस विषय में शालिकनाथ और व्याख्यान करते हुए क्या कहते हैं, अत्र आह शालिकनाथ यागादि अनुष्ठातरि धार्मिक शब्द प्रयोग नियोग अनुष्ठान निमित्त कह। शालिकनाथ कौन है? प्रभाकर का चेला, कुमार भट्ट के मत के खंडन करने के लिए ला रहे हैं उसको, फिर उसे खंडन करेंगे और भट्ट मत सिद्ध कर देंगे। इस लागे को तदयुक्तम करके तीसरे पंक्ति में तदयुक्तम करके इसको खंडन कर देंगे। शालिकनाथ जब प्रभाकर के समर्थक को कहता है यागादि अनुष्ठाता में जो धार्मिक शब्द प्रयोग किया है वह प्रयोग नियोग का अनुष्ठान करने से हुआ है, नियोग अनुष्ठान निमित्त, कि उनका कहना है मुख्य रूपेण जो कृति साध्यता या कार्यता है इसका दूसरा मतलब है नियोग, लिंग के द्वारा नियोग का बोध हुआ, उस नियोग को उन्हें अनुष्ठान किया, इसलिए उसको धार्मिक शब्द कहते हैं। तथा ही वो समझाते हैं, क्योंकि वही याग यदि शूद्र कर रहा हो लोग उसको धार्मिक कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, कहीं शूद्र है याग कैसे कर रहा, अधर्म कर रहा है बोलेंगे उसको, है ना। इसलिए कहते हैं वो कह रहा है तथा ही
अनधिकृत यागादि अनुष्ठातर यपि धार्मिक शब्द न प्रयुज्यते। इसलिए अनधिकृत यागादि में अनधिकृत यागादि अनुष्ठातरी अनधिकृत यागादि का अनुष्ठान करने पर भी लोग क्या कहेंगे, उसको धर्म कहेंगे? नहीं, धार्मिक शब्द न प्रयुज्यते, धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। अधिकृत पुरुष के द्वारा याग किया जा रहा हो तभी धार्मिक शब्द प्रयोग होता है। अनधिकृत जो यागादि में कौन शूद्र आदि के द्वारा उसी यज्ञ करने के बावजूद भी आप धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब नियोग मुख्य है और उस नियोग का अनुष्ठान जो करेगा वही धार्मिक है और नियोग अनुष्ठान ही धर्म है। ये निष्कर्ष निकलता है इति तदयुक्तम। ऐसा नहीं है, वह एक अलग बात है। वह नियोग से कोई लेन देन नहीं है शूद्र का। शूद्र को मैं धार्मिक कह देंगे उसी याग को करने में, इसने कि वो नियोग को अनधिकृत रूप में याग कर रहा, अनधिकृत याग किया, ऐसा नहीं। वह वैदिक कर्म के लिए क्या वेद अध्ययन के लिए अनधिकृत था, वो कर रहा है, इसे हेतु है दूसरा है। करने न करने के पीछे वो क्यों कर रहा है, लेकिन फिर कहीं श्रेय साधनता है उसमें कि या वेद मंत्र ने क्या बोला आपको, इतना ही कहा ना, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम है जी, तो दर्शपूर्ण मास याग को स्वर्गरूपी श्रेय का साधन तक कथन किया, उसे कोई लेन देन नहीं, कौन करेगा ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र से, उसमें अधिकारी अनधिकारी का प्रश्न कहाँ है। हाँ, राजा राजस्वी ने जे तो कहते वो मंत्री तो ठीक है कि वहां राजा का क्षत्रिय करना पड़ेगा, वहां अधिकारी का भी साथ साथ वाक्य में विद्यमान है, सामान्य रूप सकल विधि वाक्य में तो ऐसा नहीं है। इसलिए कहते कि देखो श्रेय शांत तैव तेषां धर्मत्व गमा, क्योंकि श्रेयसांत मात्र यागादियों के अंदर धर्मत्व स्वीकार किया जाता है, नहीं अनधिकृत यागादि अनुष्ठान श्रेय साधन भवति, अनधिकृत यागादि का अनुष्ठान श्रेय का साधन नहीं है। इसलिए उसको हम अनधिकृत याग का अनुष्ठान करने वाला शूद्र को अधर्म क्यों कहते हैं, वो उसका श्रेय का साधन नहीं है, वो भ्रांति है। वो जैसे गीता में अर्जुन को भ्रांति है, वो संन्यास को श्रेय का साधन समझ रहा है, अर्जुन उसका अनुष्ठान करते क्या मानेंगे अब श्रेय साधन है वो नहीं, उसके आश्रय साधन में ना तो सुख का अनार्य जुष्ट हो, तुम अधार्मिक हो ये कहा जाएगा। क्यों? वो अनधिकृत चेष्टा के इसलिए नहीं, पर श्रेय साधन नहीं है उसके लिए, उसके लिए वो श्रेय साधन नहीं। हर व्यक्ति का श्रेय का साधन अलग अलग है, जिसके लिए जो श्रेय का साधन विधान किया है उसी को उसको करना चाहिए, और दूसरे के लिए विविध को करेगा वो उसके लिए वो श्रेय साधन नहीं रहेगा। श्रेय साधन का अभाव होने से उसका आधार विषय प्रयोग हुआ, न कि अनधिकृत याग अनुष्ठान करने के कारण से। नहीं, अनधिकृत याग आदि अनुष्ठान श्रेय साधन भवति, अतः यागादि एव धर्म शब्द प्रयोग, श्रेय यागादि में धर्म शब्द प्रयोग मानना चाहिए, अन्योगादि में नहीं।